चंद्रयान 2 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले हम उन 3 वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गरीबी से निकलकर देश को चांद तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो के चेयरमैन मिस्टर के सिवन के बारे में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल कस्बे में जन्मे सिवन की पढ़ाई तमिल सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूल में छुट्टी के दिन पिता के साथ खेती में हाथ जुटाते थे। नंगे पैर स्कूल जाते थे और लुंगी पहनते थे। 12वीं में गणित में 100% अंक प्राप्त किए। इंजीनियरिंग करना चाहते थे लेकिन पिता ने कहा पास के कॉलेज से BSc कर लो ताकि खेत में भी काम करा सको। सिवन अड़ गए और पसंद के कॉलेज में जाने के लिए पिता के खिलाफ 7 दिन का अनशन कर बैठे। पिता नहीं माने तो BSc में प्रवेश ले लिया। तभी पिता को सिवन की प्रतिभा का एहसास हुआ और इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई भेज दिया। उन्हें खेत बेचने पड़े। सिवन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BE किया और आज देश का नाम रोशन किया। दूसरी हम बात करेंगे चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर रही ऋतु कारिधाल की। चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर ऋतु कारिधाल लखनऊ के निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आई है। स्कूल में फिजिक्स टीचर से इतनी प्रतिभा हुई कि फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। ऋतु मंगल ऑर्बिट मिशन में डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्होंने ऑटोनोमी सॉफ्टवेयर तैयार किया। इसरो में उनकी भूमिका मुख्य रही है। ऋतु ने ही तय किया कि चंद्रयान 2 के लक्ष्य क्या होंगे, कैसे हासिल होंगे। वे बताती हैं 2012 में बेटा 9 और बेटी 4 साल की थी। तब घर पर होना जरूरी होता था लेकिन नहीं हो पाता था। काम का शेड्यूल बदला और रात भर काम करती थी और दिन में बच्चों को समय देती थी। इसी दौरान ही मंगल व चंद्रयान लॉन्च किए गए। कई बार इतना भी वक्त नहीं मिल होता कि बच्चे बीमार है तो उन्हें अस्पताल ले जा सको। तीसरी हम बात करेंगे चंद्रकांत 2 के प्रोजेक्ट डिप्टी डायरेक्टर रहे चंद्रकांत की। पश्चिम बंगाल के हुबली जिले में शिवपुर के किसान परिवार में जन्म हुआ। पिता मधुसूदन और माँ आसिमा ने नाम सूर्यकांत रखा, लेकिन जब स्कूल में भर्ती कराने गए तो शिक्षक ने कहा चंद्रकांत नाम अच्छा रहेगा। नाम बदला, सार्थक रहा और आज वही चंद्रकांत चंद्रयान अभियान का अहम हिस्सा है। परिवार तंगहाल था। झोपड़ी में पड़े वाले चंद्रकांत रोज 10 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाते थे। चंद्रकांत पिछले 2 दशकों से इसरो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट से वार्तालाप रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के जरिए होता है। चंद्रकांत के पास यही जिम्मेदारी थी। चंद्रयान 2 और उनसे संपर्क साधने वाले ग्राउंड स्टेशन का एंटीना सिस्टम चंद्रकांत ने ही डिजाइन किया है। ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने गरीबी से निकलकर भारत को चांद तक पहुंचाया है। चंद्रयान 2 ने सोमवार दोपहर 1:15 पर अपने सफर का सबसे महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से अलग कर दिया है। लैंडर विक्रम इस वक्त चंद्रमा की 119 किलोमीटर × 127 किलोमीटर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। लैंडर विक्रम 4 सितंबर को चांद के सबसे नजदीकी कक्षा में 35 किलोमीटर × 97 किलोमीटर होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंचेगा। 7 सितंबर को तड़के 1:30 से 2:30 के बीच चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे उतरेगा। इसके 2 घंटे बाद लैंडर के अंदर रखा रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है जिसका वजन 27 किलोग्राम है। ये सौर ऊर्जा से चलेगा और 500 मीटर की यात्रा करेगा। इस दौरान वो चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित खनिज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी, बर्फ की खोज, वातावरण की जांच करेगा। साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा
वहीं ऑर्बिटर तय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 22 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद से पांच चरण में चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर और लैंडर की ओर उसकी तय कक्षा में पहुंचाने का काम किया है। ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। ऑर्बिटर तय योजना के अनुसार एक साल तक कक्षा में रहेगा और चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा की सतह को छुआ है। साल 2008 में भारत ने ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 भेजा था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को पूरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।